Hi guys, I'm Priyanka and welcome to my new vlog. So, आज का vlog है वो है my first electric scooter. So, come on, let's go. Guys, हम environment and pollution के बारे में बातें तो बहुत करते हैं, but हमें खुद भी कुछ ऐसे steps लेने चाहिए जिससे हमारा environment अच्छा रहे. जैसे कि मैंने अपने घर पे लगा रखा है solar plant और कुछ time पहले तो ना मैंने अपने ले ली थी एक electric car. But guys, जयपुर में ना आप सब जगह गाड़ी से नहीं जा सकते, स्पेशली वॉल सिटी जहाँ पे सड़कें बहुत ही नैरो हैं. So, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए ले लूँ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर. तो चलिए गाइस, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने लिए कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने वाली हूँ. कम सो गाइस, काफ़ी रिसर्च करने के बाद ना मुझे तो एम्पियर का इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत अच्छा लगा और इनका शोरूम भी ना मेरे घर के पास है. तो चलिए चल के लेते हैं टेस्ट ड्राइव और अगर स्कूटर वाकई अच्छा लगा ना मैं तो हाथ के हाथ ही ले लूंगी. शोरूम और यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर. तो चलिए चल के पता करते हैं कि इसमें इनके पास कौन कौन से मॉडल्स आते हैं. हाय हाय मेहुल गोयल. हाय मेहुल, हाउ आर यू? फाइन. तो यहाँ पे मेहुल मैं देख रही हूँ बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स खड़े, तो इसमें डिफरेंट टाइप के मॉडल्स भी है या सारे एक ही है? ये एम्पियर का सिंगल मॉडल है, नेम है मैग्नस EX. वी हैव फोर डिफरेंट कलर, रेड, व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू. एंड गाइस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक व्हाइट कलर की जो है मैग्नस EV खड़ी है. तो चलो देखते हैं कि कैसी है ये. वाओ, दिस लुक्स ब्यूटीफुल. एंड गाइस, ये तो नॉर्मल स्कूटर की तरह दिख रहा है, क्योंकि मैंने जो और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखे थे वो ना गाइस एकदम टॉय, छोटे छोटे बेबी स्कूटर्स की तरह दिखते थे. बट दिस इज फुल्ली फ्लेजेड स्कूटर, बड़ा है, इसकी सीट भी बहुत बड़ी दिख रही है. एंड बड़ी होने के साथ साथ गाइस ये कंफर्टेबल भी बहुत है. एंड साथ ही में इसमें बहुत सारा लेग स्पेस भी दिया हुआ है और यहाँ पे मैं एक हुक देख सकती हूँ, इसके अंदर शॉपिंग बैग्स टांगते हैं ना. सो गाइस, खूब सारी शॉपिंग करना और जगह की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो आप बहुत सारे शॉपिंग बैग भी टांग सकते हैं. और ये ग्लव कंपार्टमेंट जैसा, अरे मेरा हाथ तो उसके अंदर ही चला जा रहा है. अरे ये मतलब बहुत गहरा है, ये किस चीज के लिए? मैम नॉर्मल वाटर बॉटल्स के लिए. और एक कुछ ऐसा पॉइंट जैसा भी दिख रहा है? यस मैम, ये सॉकेट चार्जर है, मोबाइल चार्ज करने के लिए. मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो? यस मैम. सीरियसली? यस. ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दैट. मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर से ना अगर आपके मोबाइल में बैटरी कम है तो आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं इसी की बैटरी के साथ. भाई की रिंग, ये चाबी तो कार की चाबी की तरह दिख रही है. इसमें बहुत सारे फीचर्स है क्या? आप गाड़ी ऑन कर सकते हो, गाड़ी बंद कर सकते हो विदाउट एनी यूज ऑफ की, आप इस गाड़ी को चला सकते हो. मतलब बिना चाबी का गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी? हां, गाड़ी बस आपको की अपने जेब में रखनी है. हां. और मैम जैसे कि आप गाड़ी पार्क करते हो, अगर आप पार्किंग नहीं मिलती तो आप इसमें एक अलार्म है, आप उसको बजा सकते हैं, आपकी गाड़ी तक पहुंच सकते, ढूंढ सकते हैं. तो अब मुझे इसका बूट स्पेस दिखाइए आप. देखूं तो अंदर कितनी जगह है इसके. ओ लवली गाइस, जस्ट लुक एट दिस, इतनी सारी इसकी बूट स्पेस है. तो मैं ना बहुत सारी शॉपिंग करूंगी और सारा सामान इसके अंदर यहाँ बूट के अंदर डाल दूंगी. और एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो बहुत ही क्यूट सी है, वो है ये इनका LED लाइट. तो मतलब ये मैंने अभी तक आई थिंक किसी भी टू व्हीलर के अंदर देखी नहीं है कि हुड के अंदर लाइट हो. तो अंधेरे में भी गाइस आप अपना सामान आराम से ढूंढ के इसमें से निकाल सकते. अरे गाइस, इस स्कूटर के अंदर वो हैलोजन वाली लाइटें नहीं लगी, इसके अंदर लगी है LED. और मैम इसके अंदर आप नीचे देखेंगे तो पावर हब मोटर्स है जो okay. आपको 0 से 10 सेकंड में गाड़ी 40 किलोमीटर की स्पीड पे चल जाती है. अच्छा, मतलब इसका पिकअप बहुत ही गजब का है, सही बोला ना मैंने? Yes, ma'am. अच्छा ये सारी बातें तो सही है. मेल मुझे सच में बताओ ये देती क्या है? मैम इसका माइलेज है, वन सिंगल चार्ज में ये 80 to 100 किलोमीटर लगती है और सिंगल चार्ज में ये 2.5 यूनिट्स लेती है, जिसके आपकी अप्रॉक्स कॉस्ट आते हैं 20 रुपीज. बस यस, मतलब 20 रुपए में मैं 100 किलोमीटर चला लूंगी. Yes, मतलब 20 पैसे में 1 किलोमीटर. हाय जमाना हो गया 20 पैसे तो देखे हुए, अब 20 पैसे के अंदर तो मैं 1 किलोमीटर जूम करके राइड ले लूंगी. तो अब ये मुझे बताओ कि मैं इसकी टेस्ट ड्राइव ले सकती हूँ? Sure. हाँ, तो चलो गाइस अब आएगा मजा, क्योंकि अब मैं लेने वाली हूँ मैग्नस की टेस्ट ड्राइव. We'll be right back.
टेस्ट राइड बहुत 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 अच्छी लगी, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल थी और मैंने ना बहुत एंजॉय भी करा। सो मेहुल जी, अच्छा स्कूटर के साथ साथ वो कुछ एक्सेसरीज तो आती है, तो ये कीचेन के अलावा देखो और मुझे क्या क्या दोगे मुझे बताओ। आपको हेलमेट मिल जाएगा। हेलमेट ये तो लगा के गई, अरे क्या बात है। वैसे तो अच्छा है आप मुझे हेलमेट दे रहे हो, क्योंकि मेरे पास टू व्हीलर तो थी नहीं और हेलमेट भी नहीं था। अरे हेलमेट मिल जाएगी तो अच्छा है, मैं आराम से राइड करके अपने घर ही पहुंच जाऊंगी सीधा, बीच में पुलिस वाले भैया भी नहीं पकड़ेंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लिया है एंड द एंटायर एक्सपीरियंस वाज सो सीमलेस। मैंने फट से स्कूटर देखा और झट से स्कूटर बाय कर लिया। क्या हुआ मेहुल, आपके लिए एक और गिफ्ट है? ओह वाओ सीरियसली गाइस, एक और गिफ्ट मिला। मतलब गिफ्ट तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जाते जाते ये तो बता दो इसमें कितनी वारंटी है और कहां पे सर्विस कराऊंगी? 3 ईयर की वारंटी है मैम, इसका वर्कशॉप यही है मालवीय नगर जयपुर। 3 इयर्स की वारंटी, वाओ दैट्स ग्रेट। सो गाइस इसको तो देखिए, इस गिफ्ट को तो मैं अपने घर में जाके खोलूंगी। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, और अगर आपको मेरे फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर पे एक फूड व्लॉग देखना है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग। अब अपनी गाड़ी तो मैंने छोड़ दी, अब जाऊंगी अपने इलेक्ट्रिक बाइक पे। बाय।